क्या कहेंगे आज, हम इससे पहले आए थे, बहुत हंगामा बचा था, आपने आरोप जड़ा था, कहा है वो लोग उद्घाटन करने वाले, आज उद्घाटन हो चुका है, काम शुरू हुआ, इसका श्रेय जाता है आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, उस दिन जो ख़ास तौर पे हमारा मुद्दा उठा था दो चार दिन पहले कि रोड का काम तो हो रहा है, ठीक है, जायसवाल साहब ये रोड का काम कर रहे हैं, मगर यहाँ के जो मसाइल हैं उससे वो आगाह नहीं थे जी। उनको लगा रोड की ज़रूरत है, वो रोड कर रहे थे। तो वो यहाँ पे मेन मुद्दा ये था कि लाल मस्जिद में ड्रेनेज का पानी जो है जी, वो जब भी नल का दिन होता वो ओवरफुल होकर ड्रेनेज का पानी जो है लाल मस्जिद में उतरता। बारिश के वक्त जो है ऐसा लगता है कि भाई वो लाल मस्जिद के पास से इतना मतलब ड्रेनेज का जो मेन होल का जो ऊपर का वो है ढापा है जी, वो निकल के पानी बहता था वहाँ से जी, मस्जिद में जा नहीं सकते थे नमाज के लिए जी। और अभी तो देखिए उस दिन अच्छा ये हुआ कि रोड का काम चल रहा है जी, जायसवाल साहब उद्घाटन करके गए जी, उनका खुद का काम है ये, और उसी दिन पूरा जो है ड्रेनेज का पानी मस्जिद के बिल्कुल जो है अंदर घुस गया जी, मस्जिद के रूम है अंदर, वहाँ के साइड से जो ड्रेनेज का पानी निकल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने वहाँ पे उस वक्त को साखना ने आसिफिया कॉलोनी बिस्मिल्ला कॉलोनी टाउन हॉल हम लोग सब जो है वो लोग मेरे पास आए, फिर हम लोग ने मुद्दा उठाया, वो तो सब लोग जानते हैं, फिर फड़ साहब काटकर साहब इनसे सबसे नुमाइंदगी की, फिर आखिर में हमको लगा कि ये लोग जो है ठीक है करेंगे नहीं करेंगे। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ म्यूनसिपल कमिश्नर का कि कमिश्नर साहब ने इमीडिएट ऑर्डर दे के ये हमारा ड्रेनेज लाइन डालने का काम जो है आज से शुरू करवा दिया। और ये ड्रेनेज लाइन होने के बाद फिर मैंने साथ ही साथ बीच में रोड का काम शुरू हो जाएगा ड्रेनेज के बाद, तो साथ ही साथ ऑर्डर वालों को हमने बुला लिए परसों के दिन, वो भी आके गए, हमने उनको बोला कि यार एक तरफ तो ड्रेनेज का हो रहा है, कमिश्नर साहब ने बोल दिया, तुम्हारे को तो वर्क ऑर्डर तुम्हारे मिल के काम हो के सारी चीज़ें हों के तो दो तीन साल हो गए, ये काम कब करते, फिर ये रोड को अब उस साइड से खोद देते। फिर वो लोग ने आके सर्वे किए, साथ ही साथ वाटर लाइन डालने का भी काम इंशाल्लाह जो है दो चार दिन में जो है शुरू हो। सर ये कहाँ से कहाँ तक लाइन जा रही है? ये देखिए बेस इसका स्टार्टिंग जो है ये कॉरपोरेशन जी, ये ब्रिज के नीचे जी, यहाँ से होते हुए हम लेके जा रहे हैं ये लाल मस्जिद के सामने से होते हुए घाटी क्वार्टर जी, और मुमकिन है कि आगे जाके मकई गेट तक जो है ये ड्रेनेज लाइन का काम हो रहा है इंशाल्लाह कर देंगे जी। अब सर ये बोलिए कि स्मार्ट सिटी जब आपको पता है कि G20 की कॉन्फ्रेंस चल रही है और रास्ते सजाए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो तो कलर का काम चालू है, अरे आपके वार्ड में भी आता है शायद, तो कैसा लगता है काम देख के आप? असल में क्या है साहब, मैंने तो यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ा था, अब मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ने वाला हूँ इंशाल्लाह। अब G20 में 50 करोड़ रुपये जो है खर्च हो रहे हैं जी, ये वार्ड पहले से लावारिस पड़ा हुआ था, बराबर है, यहाँ पे जो है कोई काम करने वाला था, अगर काम हुए हैं तो वही थातुर मतुर जो है काम हुए हैं। अब ये मैं एक जोक के तौर पे एक बात बताता हूँ, परसों के दिन यहाँ का नगर सेवक है आसिफ अफगानी के जो था, ठीक है, बाद में उसके बहुत मसाइल चलते रहते हैं, जेल वेल क्राइम व्राइम उसका जो है मामले बहुत सारे केसेस हैं, उस दिन मैंने उसका देखा कि यहाँ पे कलर का काम G20 की तरफ से शुरू हुआ, कॉरपोरेशन की तरफ से शुरू हुआ, सिर्फ वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि देखो मैं कर रहा हूँ, मतलब वो करवा रहा है बोल। अभी मैंने जो है जैसे आके देखा ड्रेनेज का काम शुरू हुआ, तो आप ये देखिए वहाँ पे बताइए, तो बताइए देखिए आप ही आगे, ये प्राइमर का और कलर का हाथ हो गया इसके ऊपर जी, खाली वो नगर सेवक आया और वो ब्रश हाथ में लेके कि भाई हमने कलर का काम शुरू किया है, सब ऐसा अपने को जहालत वाला काम नहीं होना ना। मैंने कॉन्ट्रैक्टर मालूम किया, उसको फ़ोन किया, मैंने ये कहा कि पॉलिश पेपर जो आता है जी, वो पॉलिश पेपर से इसकी घसई होना चाहिए जी, घसई होने के बाद प्राइमर, फिर उसके बाद जो है आप कलर का काम करो। तो साहब बोले वो गलती हो गई, बोले हम उसको जो है सही तरीके से कर देते। तो हमको जो उठना पड़ रहा है, मुझे जो मेरे मैं डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ना ही ये काम अपने को रोकना भी नहीं अपने। मैंने उसको समझा के बोला कॉन्ट्रैक्टर को, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, वो जो
ब्लैकमेलिंग करने के वास्ते लोग फ़ोन करते, अरे ये काम गंदा हो रहा, ये हो रहा, अपना वो काम नहीं। मैंने बोला इससे ऐसा ही हुई क्या? ये देखो अंदर वहाँ से देखो पूरा काला झाका जी। और एक बात देखो आप, ये ब्रिज है, ये सीलिंग का काम भी कॉन्ट्रेक्टर ने लिया हुआ है जी। उसने कॉलम का काम शुरू कर दिया, सीलिंग बाद में करेंगे। अभी जाले वाले जो है पूरी गंदगी वहाँ पे मौजूद है। ये देखिए, ये स्टोम वाटर के पाइप है, वो देखिए वहाँ से गल रहे हो। बारिश का जो पानी आता जी, वो पूरे सड़ गए हो जी। हाँ, तो बेच चाहिए ना। अब उसको खाली कलर मार के चल जा देते। जो लोग आ रहे हैं विदेशों से, जो लोग हमारे सिटी को देखने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ उनको दिखाने के लिए आप 50 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे। मैं ये समझता हूँ कमिश्नर साहब बहुत अच्छे इंसान थे, अभी चौधरी साहब बहुत अच्छे इंसान, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी उनकी है। अगर नीचे का अधिकारी, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, अगर ये सिर्फ पैसे उठाने का काम करते हैं और सही तरीके से काम नहीं करते, इनके ऊपर गुनाह दाखिल करना चाहिए। आपके माध्यम से, SDM के माध्यम से, मैं कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि सब आप आके एक सर्वे करो। देखिए आप, ये कलर का काम यहाँ पे जो हुआ है, अब मैं आके उनको सिर्फ मैंने बताया कि ये क्या कर रहे थे, वो जो केनी लेके उसको जो है वो कुरेद रहा है, तो अंदर से वो जो पोस्टर लगे रहते ना, वो आप निकल रहे, उसके ऊपर मार दिए कलर। घसा घसा ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे को किसी के काम को अड़ाना या किसी को बुरा बोलना नहीं है, मेरा बोलना ये है कि सिस्टम को आप सही करो, सिस्टम सही करिए। अब जैसा लाल मस्जिद का मुद्दा उठा, उनके ये समझ में आया कि भाई हम तो जो है रोड बना दे रहे जी, मगर वाकई में सही बात है कि ड्रेनेज बह रही है। मैंने कमिश्नर साहब को खुद वीडियो भेजा था इससे पहले, काफ़ी वायरल भी हुआ था, और यहाँ पे 1 फीट मस्जिद के सामने से उठा दे रहे थे वो रोड को। अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 इंच मस्जिद का जो अभी एग्जिस्टिंग रोड है उसको खुदाई करके 6 इंच नीचे ले रहे और स्लोप के साथ जो है उसको आगे कर दे रहे, और काम उन्होंने खुद से रोका है, हमने बंदिंग कराया है, खुद से उन्होंने रोका है कि भाई ड्रेनेज का होने तक वो आगे कर नहीं सकते। बराबर है जी। पूरा जितना उन्होंने गिट्टी डाला था, जितनी उन्होंने खड़ी डाली थी, उसमें जो है कच वगैरह डाला था उन्होंने परसों के दिन, पूरा जो उठा के एक साइड कर दिया। ड्रेनेज का काम होने के बाद वो काम होगा। अब मैं आया था ड्रेनेज का काम ये शुरू करवाने के लिए, उन्होंने कॉन्ट्रेक्टर ने उन्होंने फ़ोन किए कि भाई आपने जो मुद्दा उठाया वो आज से हमको चालू करने के आदेश मिले हैं, अर्जेंट बेसिस पे करना है। तब मैं कलर का देख रहा हूँ, तो ये कलर का घस ही नहीं हुआ, घस ही हो के प्राइमर होना फिर उसके ऊपर पेंट होना, जैसा आप आए जी ऐसा अंदर लगी बात मेरे। आपने बोला अरे ये चुनने का काम हो रहा है जी, मतलब ये जो है पेंट का काम हो रहा, ऑयल पेंट का, और दिख रहा कैसा हो जी, चुनना दिख रहा कि नहीं दिख रहा, क्यों दिख रहा हो, क्यों नहीं, क्यों दिख रहा हो, क्योंकि रेले आ रहे हैं साथ दिख रहा है। घस ही होना, उसकी घस ही होने के बाद उसको पॉलिश पेपर से घसना चाहिए, उसके ऊपर प्राइमर, घस ही होने के बाद प्राइमर मार के फिर आप पेंट मारो ना, अच्छा काम करो। मेरा बोलना ये है कि अच्छा काम करो, और पब्लिक की भी ये जिम्मेदारी है जी कि आप जो है जिस आदमी को चुन के देते हैं ना, आप देखें किस पार्टी का है, किसकी लहर चल रही है। ठीक है, ये किसी हद तक ये होती है चीज़ें, मगर जो कॉरपोरेटर का इच्छुक उम्मीदवार है उसके घर के पास जाके देखना चाहिए, नाली बह रही है क्या, हाँ उसके घर के सामने ड्रेनेज बह रहा है क्या। जब वो खुद का घर नहीं संभाल सकता, वो क्या महल्ले का काम करेंगे, आप बोलिए मेरे। सर जैसा आप उन पे जो भी एक आरोप लगा रहे हैं कि अभी वो वीडियो है मेरे पास हमारे नगर से जी, मैंने उनका एक इंटरव्यू कवर किया था जिसकी आप बात कर रहे हैं, उनका खुला दावा है, मेरे चैनल पे खुला दावा किए थे कि आप मायतेती कर महानगर पालिका डालो, करीब करीब 4.25 करोड़ का फंड मैंने लाया और विकास से काम, इसको आप कैसे देखते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, एक दावा है उनका साहब। उसका बस चले ना तो वो ये बोलेंगे कि आज़ादी की जंग में मैं शामिल था, मतलब वो इतना झूठा है। उसका बस चलेगा ना वो क्या बोलेगा कि आज़ादी की जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी गई ना वो नगर सेवक उसमें था, बोल के इतना झूठ बोलेगा। यहाँ पे प्रीनीति शिंदे ने हमको 1,83,00,000 रुपए दिया। प्रीनीति शिंदे दलित बस्ती के हेड थे, उन्होंने गुलाबवाड़ी जयभीम नगर उन्होंने खुद आके जो है सर्वे किया। उस वक्त पब्लिक को हमने बोलने लगा कि भाई बताइए इनको, ये हेड है ये पैसे दे सकते हैं, बराबर है, तो उन्होंने 1,83,00,000 रुपए दिया। समझ रहे हो बात को?
60 लाख रुपए खुद मेरे उसके अंदर जो है है जो मेरे नाम से है, समझ रहे। तो लोगों के उसने जो बोला कि माहिती अधिकार तो मेरे पास है ना, निकले हुआ मैं बता देता ना आपको। ये सिर्फ क्या है, ये शहर को, राजनेता लोगों को, पब्लिक के सामने सिर्फ एक बड़ा पन जाए। अब मेरी उसकी गलतियाँ इतनी हैं कि शर्म आ रही लोगों के सामने जाने के वास्ते। तो जो भी G20 का काम हो रहा वहाँ आके खड़े हो रहा, मैंने फंड लाया, क्या बोलता जी। अब ये काम है जायसवाल साहब का, इसको भी उसमें जोड़ ले रहे हो, मेरे जो पैसे हैं वो भी उसके अंदर जो है जो काम से आए हुए वो भी जोड़ ले रहे। तो मैंने जो बोला कि वो बोलेगा कि आज़ादी में मौजूद था, क्या बोलेगा, टीपू सुल्तान के साथ मैंने लड़ा, वो इतना झूठा आदमी, उससे क्या बात करते हैं। मैं उसके ना खास तौर पर मैं बात ही नहीं करना चाहता, वो मेरा मतलब मेरे को शर्म महसूस होती कि मेरे अपोज में कौन है, बहुत शर्म महसूस होती, बहुत ही मतलब ऐसा निचले दर्जे के लोग जो है, मैं इनके मतलब मैं यहाँ से ठीक है महल्ले के लिए तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, सेफर कॉलोनी अपने को डेवलप करना है, बिस्मिल्लाह कॉलोनी डेवलप करना है, इसे काम नहीं करना सर, कुछ क्वालिटी वर्क करना सर। कुछ आरोप लग रहे हैं कि अब चुनाव आने वाले हैं करके काम शुरू हो रहे हैं करके आप मैदान में हैं, कुछ ऐसी भी बातें सुन रहे हैं? ऐसा नहीं है, आपने देखा था कि लॉकडाउन था जी 2 साल से जी, पहले तो जान पे आई हुई थी जी, घर से बाहर निकलना मुश्किल था, दवाखाने में बैठना मुश्किल था, तो उस वजह से काम वो रुके थे। फिर 1 करोड़ रुपए जो है पांडे साहब ने बोला था कि मैं हर एक वार्ड को दूंगा, वो प्रोसेस चल रहा था, कि नए कमिश्नर साहब आ गए, उन्होंने कहा कि भाई मैं 60 लाख रुपए उसको जो है करता हूँ, तो सारे पूरे 115 वार्ड को 60 लाख रुपए जो है ये हर नगर सेवक को जो है मिलेगा। हमारा दलित बस्ती है, पिछड़ा हुआ है सब, यहाँ पर मामला ये है, तो त्रिनीति शिंदे आए थे, उन्होंने जो है हमको बाकी का जो है आगे का फंड दिया है, अब उसको जाके अपने लेटर लगाने का, अरे मैं था अरे थे भाई सब थे सामान। तो कौन सा है सब इस पब्लिक के टैक्स का पैसा रहता ना जी, समझ रहे हैं, पब्लिक जो टैक्स देती है हाँ जी, उसके ये पैसे है, मतलब ये सही नहीं है कि सिर्फ जो है दिखाने के लिए आप काम करेंगे। जापान वाले आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं विदेशों के जो लोग आ रहे हैं उनको सिर्फ दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए कि लाली पाउडर लगा हुआ है, अंदर से कुछ भी हो कोई लेना देना नहीं है उनको। तो अंदर रहने वाली यहाँ तो पब्लिक है ना शहर में, अब उनकी खुशी का उनके डेवलपमेंट का देखो ना, ये पैसा भी तो पब्लिक का है ना, ख़राब काम करके कोई मतलब नहीं है ना। एक मुहिम लेना चाहिए कमिश्नर साहब ने, डिविजनल कमिश्नर साहब से भी मेरी गुजारिश है, पांडे साहब से भी मेरी गुजारिश है, और एक गुजारिश कर देता आपके माध्यम से अगर शिंदे साहब तक CM तक ये बात पहुँचती होंगी, पूरा इंक्वायरी करना है इन्होंने, ये कॉन्ट्रैक्टर जो भी काम कर रहे हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्टर क्यों खराब काम करेगा, वहाँ का जो ऑफिसर है वो उसको काम खराब करने देगा बोल के वो कर रहे हैं ना, अगर वो रोक देगा उसको शेड्यूल के हिसाब से अगर वो काम करके लेंगे तो क्यों जो है काम खराब होंगे। तो ऑफिसरों पे गुनाह दाखिल होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए इन्होंने, कमिश्नर साहब को जो है ना ये जाने के बाद मेरे आपसे गुजारिश है चौधरी साहब, आप आके देखिए ब्रिज के नीचे काम, और भी निकालिए फाइल जितने काम हो रहे हैं, तो लिपा पोती का काम हो रहा है, ऐसा काम मत करो, अच्छा काम करो। आप पूना में वगैरह आप जाएंगे ना तो इतना डेवलपमेंट का काम है वहाँ पे, इतना अच्छे से जो है काम जो है क्वालिटी का होता है, लो ना आप ये कॉन्ट्रैक्टर से काम लो, क्वालिटी का लो है, अपने को काम रोकने के लिए नहीं उठना है, सिर्फ कमिश्नर साहब के सामने ये चीज़ लेके आओ कि देखो गलत काम कैसा हो रहा है, उठना गलत काम बताने के लिए, अपने को काम रोकने के लिए नहीं उठना है, गलत काम जो हो रहा है वो कमिश्नर साहब के सामने जो है उनको वीडियो बनाएंगे, उनको व्हाट्सअप करोगे किस तरह से जो है कॉन्ट्रैक्टर गलत काम करते हैं। अबुल हसन हाशमी साहब की बात को सुना और सारी बातें आपके सामने, हम ज़्यादा ना कहते इतना ही कहते हैं कि पूरे शहर में आप घूम रहे हैं और हमारे भी कर्तव्य बनता है कि अच्छी बातों को सामने लाया जाए। हम कलेक्टर साहब से और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं, आज जनता में चर्चा है कि आप बहुत अच्छे अधिकारी हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं, तो हमारे जो चर्चा चल रही थी जनता के बीच में वो आपके बात को हम रखने जा रहे हैं। जनता में चर्चा है कि कलेक्टर साहब कमिश्नर साहब कमेटी का गठन करें, एक 5 ऐसे अधिकारी नियुक्त करें जो आज़ादाना कमेटी का अपने अख्तियार रखता हो, जो रिपोर्ट करे पूरे औरंगाबाद शहर में काम चल रहा है सही चल रहा है कि गलत चल रहा, वो कमेटी रिपोर्ट भी मांगो आप, ताकि करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, कोटियों का खर्च हो रहा है औरंगाबाद स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। अब इतना कहना चाहते हैं कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब, एक कमेटी ऐसी बनाइए पूरे शहर का जो स्मार्ट सिटी का काम हो रहे हैं, एक अधिकारी को ऐसा नियुक्त कीजिए जो आज़ादाना रिपोर्ट दे काम सही है गलत है, ये जनता में चर्चा चल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि जैसा एक नाम है डॉक्टर रफीक जकरिया, आज भी लोग याद करते हैं,
तो आप सोचिए, तमाम नेताओं पर सवाल उठते हैं कि आप सोचिए, डॉक्टर रफीक जकरिया भी एक आमदार थे, उनका नाम ना होता है तो क्यों नाम लिया जाता है? तो कोशिश कीजिए कि अधिकारियों का भी एक अपना नाम बने, राज के जितने भी लीडरशिप है उनका भी नाम बने और लोग आपको याद रखें। तो उम्मीद करते हैं आप थोड़ा उठिए आप, क्योंकि ये करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है, बहुत कम ऐसा होता है। हम खुश नसीब है औरंगाबाद वासी के करोड़ों का फंड आ रहा है और औरंगाबाद टॉप 10 और स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। अब थोड़ा और आगे आते हैं तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सारा विकास आपको देखने के बाद इनका मशवरा और जनता की चर्चा को हमने आपके सामने रखा, तो उम्मीद करते हैं कि जनता भी सहकार करेंगी और तमाम लोग आगे बढ़कर अपना योगदान देंगे।